जय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फ्रेश फायर के बारे में देख सकते हैं जैसा मतलब चल रहा है। ठीक है, जो रिसेंटली वाई फायर हुआ है अभी ऊपर वाजा हवाई मूवी आइसलैंड में, जो करंट फायर ऑकर हुआ था मेजर लहानिया अपोटी एंड फुले के जो हवाई है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा जो बताया जा रहा है अभी लॉस हो चुका है ऑलरेडी 1.5 बिलियन एकर्स नेटिव फॉरेस्ट है, नेचुरल था वाटर एंड क्लाइमेट रेगुलेशन रिवर्ट होगा। देखिए इसका लिंक क्या था, देखिए क्या क्या है वाइल्ड फायर और क्लाइमेट चेंज डिफरेंस क्या है। तो वाइल्ड फायर जो है ये क्या करता है, वार्मिंग एंड वेदर करता है, ड्राई कंडीशन करता था सुखा देता कंडीशन को, इन चेंजेस इन द रेन साइकिल, तो रेन साइकिल पैटर्न की इफेक्ट करता है। तो इंक्रीजिंगली जो क्लाइमेट चेंज है ये डिटरमाइन करता है डिग्री ऑफ ड्राइनेस, जो क्लाइमेट चेंज है तो डिटरमिन किसको करेगा, डिग्री ऑफ ड्राइनेस को। तो इवेंट ऑफ फायर कॉन्ट्रीब्यूट तो एयर पोल्यूशन होगा, इसमें लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म रेस्पिरेटरी इशू, सांस लेने में बीमारी होगा, हार्ट डिजीज हो सकता है, इसमें लॉन्ग कैंसर भी हो सकता है। देखिए यूनाइटेड नेशन के हिसाब से जो इंक्रीज करेगा एक्सट्रीमली फायर ग्लोबली 14% करेगा 2030 तक, 2030 तक मतलब 14% बढ़ जाएगा, और मतलब 2000 जब खत्म होगा 2050 तक लगभग 2050 तक रिटर्न हो जाएगा, और जब 21 सेंचुरी खत्म हो जाएगा लगभग 50% हो जाएगा। देख सकते हैं कितना मतलब एक्सट्रीमली बढ़ेगा फायर ग्लोबल। ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, देखिए फॉरेस्ट फायर ये हेल्दी फायर इससे कि जो हेल्दी है इंश्योरिंग दैट द फॉरेस्ट रिबॉट एंड रेसाइलेंट कर सकता है फॉरेस्ट को, ऑल्सो एट ए नेचुरल रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल एंड हेल्प द सनलाइट रीच द फॉरेस्ट। तो मतलब जहाँ तक आपको पहुँच सकता है, मतलब जहाँ भी जैसे एमएलए फॉरेस्ट है तो वहाँ तक नीचे का सनलाइट नहीं पहुँचता है, तो अगर ये फॉरेस्ट फायर होकर अगर ये सब साफ हो जाएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे गिर सकता है जो फ्लोर पे। एंड द इंकरेज द जर्मिनेशन ऑफ